Do you know Tottenham? What? Tottenham Hotspur. Topspur? No, no. What's that? you never heard of them? No. इस बार तो भाई ये बोल नहीं पाएगा ये. Yes, thanks to Ange Ball, Tottenham are cooking. बोलना पड़ेगा भाई, even as a Chelsea fan. Yes, लेकिन इतना भी कुक मत होइए यार, especially media इतना भी मत कुक करिए कि भाई जल जाए Tottenham. और वहीं पर Chelsea को धावा बोलना है. Especially last few London derbies में Chelsea have done terribly. ठीक है, Arsenal के साथ let's be real, Chelsea को जीतना चाहिए था. Brentford के साथ भाई let me not even get started. तो नतीजा क्या निकला ये. I need that. तो भाई चेल्सी जैसे इस सीजन में दिख रही है ना, प्लीज लेट्स नॉट गेट दैट चेल्सी टू द पिच टॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम में, और लेट्स बिलीव जो हम बोलते हैं हमेशा, और दैट इज समथिंग जो हम करते थे व्हेन टॉटनम यूज्ड टू प्ले व्हाइट हार्ट लेन में. यस, थ्री पॉइंट लेन हुआ करता था, लेकिन इवन रीसेंट टाइम्स देर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू बैटल्स भाई. बैटल ऑफ द ब्रिज बोल दो या कॉन्टे वर्सेस टूकल बोल दो. आई होप यू गाइस सॉ अ शॉट बाय द वे. लेकिन अब लेट्स टॉक अबाउट दैट मैच. भाई कहां मैच जीतेंगे यार. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल टॉटनम, यस कहीं ना कहीं वीकेंड में दे हैव लॉस्ट देयर टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग वाला एक पोजीशन, और यस अगर ये मैच जीत जाते तो भाई फाइव कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग विक्ट्रीज. इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट टाइम पोचेटिनो ने ही अचीव किया था भाई टॉटनम के साथ. और टॉकिंग अबाउट पोचेटिनो, देखो यार चेल्सी मैनेजर है, रेस्पेक्ट. आई गेट द फैक्ट कि यार वो एक एक्सपर्स मैनेजर है और काफी सालों तक था वहां पर, प्लस द फैक्ट दैट ही वाज इन ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस विद नो मनी, फिर भी उनको चैंपियंस लीग फाइनल रीच करवाया, बहुत सारे प्लेयर्स डेवलप किए पोचेटिनो इन टॉटनम. आई गेट दैट टोटली. लेकिन भाई अभी आप चेल्सी मैनेजर से आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज इट टू प्ले टॉटनम. स्पेशली सर्टन लंडन डर्बीज आर अबव द रेस्ट, हमें पता रहना चाहिए. यहाँ पर दिस गेम इज अ गेम फॉर टॉटनम कहीं ना कहीं टू ट्राई एंड फाइट फॉर द लीग टाइटल. और यस हमें जो 13 प्लेस है बाय द वे ओवर द वीकेंड हो गए, वी हैव टू गेट बैक टू द टॉप 10. लेकिन द रियलिटी इज यार वी कैन नॉट लूज टू टॉटनम, इन फैक्ट वी हैव टू बीट टॉटनम. ड्रॉ भी मत सोचो, वो मेंटालिटी होनी चाहिए. और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, पोचेटिनो इन माय पर्सनल ओपिनियन, यस अगेन मे बी उसको टाइम लगेगा, लेकिन टूकल मोरिनियो ये शब्द सुनते हुए नहीं सुना हूं मैंने. द गाय हैज बीन अटर बिट टू रिस्पेक्टफुल ऑफ टॉटनम. और यस अगेन कनेक्शन है वहां पे टॉटनम के एंड ऑल दैट, आई गेट दैट. लेकिन आप नहीं बोल सकते हो यहां पर मैट लॉ पता नहीं क्या ही तो चुन उनको भी. ऑन द डे ऑफ द डर्बी उन्होंने पहला चीज ये रिलीज किया कि मॉरिशियो पोचेटिनो ने बोला है कि यार मैं तो भाई अपने फैमिली के साथ भी खेलता हूं तो भाई कॉम्पिटेटिव होता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉटनम इज नॉट फैमिली, लेट्स गेट दैट रियल. ठीक है, इट इज नॉट फैमिली. आप चेल्सी मैनेजर हो अभी राइट नाउ, यू कैन नॉट से दैट पब्लिकली. ठीक है, वेदर यू थिंक इट, आप अपने मन में सोचो, रेस्पेक्ट करो, ठीक है, फेयर इनफ. यू कैन नॉट जस्ट से दैट, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी. अगेन सेकेंड चीज ये है, उसने बोला है दैट यस आई वुड लाइक टू बी चेल्सी मैनेजर फॉर एवर एंड एवर एंड एवर. टूकल भी वही बोले थे लास्ट सीजन, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड. लेकिन he is open in the future, you never know, I might become Tottenham manager again. Ab that is not acceptable at all, especially on the day of the derby. Ek to Matt Lock pata nahi kya chul hai yaar unko release karne ka. I know calm and all that, but I don't agree with this news at all. Ye nahi hona chahiye, ek to release nahi hona chahiye, usse pehle bolna nahi chahiye Pochettino ko. Why is he uttering such things? Maybe he's misquoted, I don't know. Lekin again let's talk about the match. Bhai thand rakha yaar unke thoda. So by the way, आप लोग अभी तक लाइक बटन दबाए नहीं तो क्या चीज का इंतजार कर रहे हो? Let's hit that like button. Big up to everyone who always supports the channel, no matter what. लेकिन मैच कहां जीता जाएगा? मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं इट द मिडफील्ड बैटल. पोस्टेकोग्लू ने क्या बदला है? ये बदला है कि फर्स्ट आफ्टर हैरी केन गोइंग मेड सॉन द कैप्टन, रोमेरो द वाइस कैप्टन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसने लाया है पापे मटर सार. अब सार इज वेरी गुड, डोंट गेट मी रॉन्ग. हाँ होइबियर्ग arguably should be starting these kind of games mere khayal se, lekin he has been superb. Ange Ball ke liye perfect hai with Bissouma there, theek hai, in midfield. But on the other hand, what about the wings? Jo poch ball mein bhi bahut important hai, yaad rakhiye, for switch off play as well as bomb on karne ke liye aapke full backs. Isme will Destiny Udogie be fit? Aur wo might be the difference maker. Mere khayal se it will be the wings for me. Yes, why? चेल्सी के लिए इज मुड्रिक फिट इनफ टू प्ले एटलीस्ट वन हाफ इफ नॉट मोर. मतलब मेरे लिए हिम गेटिंग बिहाइंड पेड्रो पोरो कैन बी अ टैक्टिक चेल्सी द्वारा, क्योंकि लेट्स बी रियल
टॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम में है, उनके फॉर्म को देखकर डिस्पाइट हमारा थोड़ा पोजीशन रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, आई स्टिल बिलीव टॉटनम का ज्यादा पोजीशन रहेगा, आई माइट बी रॉन्ग, लेट्स सी, टोटल फुटबॉल खेलते हैं अंजबॉल, तो आई बिलीव दैट इट्स इंपॉर्टेंट कि यार हम हिट करें ऑन द ब्रेक, अपनी विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल बैक्स अगेन, इज रीस जेम्स फिट इनफ टू प्ले एटलीस्ट 60 मिनट्स इफ नॉट मोर, ठीक है फिर से, अब वो एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वहीं पर याद आता है मुझे टॉटनम के पास था करीबन 10 दिन इस गेम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, व्हाई, बिकॉज ऑलरेडी आउट ऑफ द ईएफएल कप थे, प्लस लास्ट वीक भी उन्होंने आई थिंक फ्राइडे नाइट फुटबॉल खेला था, यहां पर हमने एक खेला है मिडवीक गेम, तो लेट्स सी हाउ इट इज, लेकिन सुनने में आ रहा है मुड्रिक शुड बी फिट एटलीस्ट फॉर द बेंच, ब्रोजा शुड बी फिट ओनली फॉर द बेंच, नॉट रियली ऑन द पिच, हमें चाहिए था इस गेम के लिए टू बी प्रॉपर मैच फिट, क्योंकि निकोलस जैक्सन अभी तक कन्विंस नहीं कर रहे, लेकिन हमें निकोलस जैक्सन से ही शुरू करना पड़ेगा, बाडेशिल अगेन ग्रेट गेम, स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट ब्लैकबर्न ईएफएल कप में, बट लेट्स बी रियल, इस गेम के लिए शायद थियागो सिल्वा और कॉलवेल वापस आ जाए, और अगर रीस जेम्स फिट नहीं है तो फिर से यार दिसासी राइट बैक, नो प्लीज, अगर बाय चांस रीजन फिट नहीं है 60 मिनट्स के लिए बैक टू बैक गेम्स के लिए, तो भाई प्ले गुस्तो, लेकिन मैं खेलूंगा रीस जेम्स को, इट इज अ लंडन डार्बी गाइस, प्लेयर्स लाइक रीस जेम्स, कॉनर गैलेगर और लेवाई कॉलवेल बहुत ही क्रूशियल होने वाले अलोंग विद द सीनियर प्लेयर इन थियागो सिल्वा, इन माय पर्सनल ओपिनियन, आप लोग बोलिए आपके 11 क्या होगी, लेकिन उसे याद आता है भाई लेफ्ट बैक में कुकुरिया शुड स्टार्ट, भाई हेयर पुल, वन कैन नॉट फॉरगेट रोमेरो के अगेंस्ट जो था, आई बिलीव रोमेरो काफी मैच्योर हो गए एक साल में, लेकिन प्रिटी श्योर यू कैन नॉट फॉरगेट सच एन इंसिडेंट कुकुरिया, यू हैव टू प्ले, और अगेन फुल बैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बोला, ऑल्सो अटैकिंग वाइज में इट्स इंपॉर्टेंट कि कोल पामर भाई जो रहते हैं जनरली बहुत ही डायनेमिक पोजिशन अपनाए, ठीक है, और वहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही इन बिटवीन द लाइन्स स्पेसेस क्रिएट होते हैं इन द टोटल फुटबॉल ऑफ टॉटनम, और वहीं पर कोल पामर कैन बी द की प्लेयर, इसलिए वापस बोल रहा हूँ मुड्रिक इज वेरी की, अगर वो आता है इवन फॉर वन हाफ फुल, मैं बोलता हूँ इट विल बी ग्रेट एट हाफ टाइम, और मैं तो अगर मुझे चुनना पड़े यार, मैं तो शुरू करूंगा मुड्रिक पामर और रहीम स्टर्लिंग के साथ, और जस्ट प्ले एंजो एंड गैलेगर इन मिडफील्ड, आई नो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होगा वो, स्पेशली टॉटनम के जो फॉर्म दिख रही है, लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन दिस इज अ गेम जहां पर टॉटनम आर एक्सपेक्टेड टू विन, और हम ऑन द ब्रेक अगर मार रहे भाई अटैक चाहिए हमें एक एक्स्ट्रा मैन, और वो कैन बी द डिफरेंस मेकर अलोंग विद द विंग बैक और रादर द फुल बैक और विंग्स, आप लोग बोलिए, मतलब अगेन तो आपको 11 मेरी तो पता चली गई है, लेकिन रियलिस्टिकली आ होगी, आई एम प्रीटी श्योर निकोलस जैक्सन विद स्टर्लिंग पामर ऑन द विंग्स विद भाई गैलेगर और एंजो के बीच में एक जन नंबर 10 रहेंगे एक जन नहीं रहेंगे, डायनेमिक मिडफील्ड हमें पता ही है विद काइसेडो काइंड ऑफ सिटिंग, और आपका बैक फोर रहेगा कुकुरिया कॉलविल सिल्वा और होपफुली रीस जेम्स विद सैंचेज इन गोल, जो अभी भी ही हैज पॉइंट टू प्रूव, विकारियो है Have to say, उसका ग्रेट सीजन रहा है ऑलरेडी, तो भाई टॉटनम के तरफ से भाई आई डोंट सी एनी मेजर चेंजेस अनलेस ओडोगी अगर फिट नहीं होते हैं, और सुनने मारे बेन डेविस भी शायद फिट शायद पूरे तरह नहीं है, सो मे बी हो सकता है दैट दे विल स्टार्ट विद मे बी अ राइट फुटेड यू नो एमर्सन रॉयल एट लेफ्ट बैक, लेकिन मुझे नहीं लगता, जस्ट लाइक मैंने बोला यहां पर रीस जेम्स शुड स्टार्ट, वहां पर ओडोगी विल स्टार्ट माय ओपिनियन, और कहीं ना कहीं दैट विल बी अ डायरेक्ट बैटल एज वेल, वो भी दिखता है मुझे, तो भाई आप लोग बोलिए व्हाट इज द मेन बैटल जो आप लोग देख रहे हो लुकिंग फॉरवर्ड टू, definitely battle of the bridge types, agar red cards us ho to I don't care right now, all I care is about Chelsea winning, of course it matters kahin na kahin next match and all that, kyunki kafi run hai difficult Chelsea ka, lekin fir bhi let's be real, this game Chelsea should show bhai kaun hai the real player of the Premier League, let's do that, this is the game, hum बिग मैच में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते रहे टू ऑल द ऑपोजिशन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन स्पेशली इन लंदन डर्बीज एंड टॉटनम, भाई आपने टॉटनम का रोका था दैट टाइटल चार्ज इन 2016, यस आई नो इट वाज डीप इनटू द सीजन, बट नाउ इज द टाइम चेल्सी, कम ऑन पोचेटिनो, इतना सॉफ्ट स्वीट हो जाए ऐसा मत करिए टॉटनम के साथ में, यू आर चेल्सी मैनेजर, और आई होप कि भाई रीस जेम्स, एंजो फर्नांडिस, कॉनर गैलेगर, लेवाई कॉलवेल, थियागो सिल्वा भाई आर अप फॉर द गेम प्रॉपर, yes we need a finisher and hopefully Nicholas Jackson apna shooting boots lekar aaya hai Villarreal se over the weekend, lekin aap log bole what will be the score prediction, we will be there no matter what for the watch along, you know it, always a fan channel for Odyssey, hit the like button and yes kisne kya ukhada, kahin na kahin hum pre-match mein baat kar lenge about what happened during the weekend, a lot going on for the cricket fever on almighty sports, so check the links below,
See you very soon. Come on, Chelsea. Come on. Yes. Man.